यार सेम मैचिंग के अंदर बम्पर लगा बुलोन कंपनी का, जो रेड कलर की मैचिंग के अंदर है यहाँ पर प्रॉपर। ये है रेंगुलर 2024 का डिजाइन। उसके बाद यहाँ पर हेडलाइट लगाई है जो बड़ी स्लीक डिजाइन के अंदर लाइट है, एक हाई फोकस लाइट है यहाँ पर। ये स्लॉट इसमें इनबिल्ड है, ये अलग से नहीं है, लोकल वाले बम्पर में ही अलग से पीस लगा होता है। जो प्रॉपर रेडिएटर की सेफ्टी के लिए अंडर बॉडी लगाई जाती है वो भी हमारी बुलहॉर्न कंपनी की लगी हुई है। तो ओवरऑल जैसे व्हाइट कलर करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी एक बार कि गाड़ी का, ये देखिए ये व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फिटिंग भी बुलहॉर्न कंपनी की ऑफिशियल ओरिजिनल फिटिंग है, इसके अंदर नहीं कि फिटिंग की कोई जुगाड़ करके पत्ती लगा दी कुछ लगा दी, यहाँ पर भी कंपनी ने अपना पूरा मार्कर दिया हुआ है। तो हेलो गाइस, सत श्री अकाल और नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। सो आज आप आए हैं बुलहॉर्न के ऑफिशियल स्टोर के ऊपर। अभी आपके लिए लेकर आए हम लोग एक थार जो रेंगुलर में कन्वर्ट हो रही है, बट लेकिन अभी आपको मैं कुछ अंदर दिखाऊंगा शॉप के अंदर। जैसे ये बेसिकली बुलहॉर्न का ऑफिशियल स्टोर है जहाँ पर अभी आप मेरे पीछे ग्रिल देख रहे हो ये वाली बुलहॉर्न की, बट इसमें एक चीज़ दिखाऊंगा कि जैसे ग्रिल में कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई बुलहॉर्न की ग्रिल में और बेसिक ग्रिल में क्या फ़र्क होता है। ये है हमारी बुलहॉर्न की ABS ग्रिल, जिसके अंदर यहाँ पर 7 स्लॉट की ग्रिल में आपको कलर कॉम्बिनेशन कुछ दिख रहा है, बट कलर कॉम्बिनेशन में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक रेड का स्लॉट लगा हुआ है। तो इसके अंदर फिर जैसे जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए सबसे मेजर है कि भैया लोकल ग्रिल में और बुलहॉर्न की ग्रिल में क्या फ़र्क है, क्योंकि कई हमारे जो भाई पहले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमसे उनको तो पता ही है कि बुलहॉर्न की ग्रिल में क्या फ़र्क है, बट जो नए भाई हैं उनको कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि जैसे बुलहॉर्न की ग्रिल में अगर आप देखोगे ये रूबीकॉन स्टाइल ग्रिल है, इसमें जो स्लॉट होता है हमारा वो ये वाला स्लॉट होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा, ये आपको लोकल ग्रिल में नहीं दिखेगा। इसके अंदर की जो ग्रिल देख रहे हो आप ये मेटल की होती है, वो आपको प्लास्टिक की ग्रिल मिलेगी। तो रेट ये सबसे मेजर फर्क है ग्रिल के अंदर, बट जिस भाई के पास थार है वो सबसे ज़्यादा ये वाली ग्रिल तो देख चुके हैं। अभी क्या है बुलहॉर्न के पास नई दो ग्रिल लॉन्च हुई है, जिसमें से एक ग्रिल अभी यहाँ डिस्प्ले में नहीं है। जो मेजर ग्रिल है वो ये वाली है भैया, ये है रेंगुलर 2024 का डिज़ाइन, मतलब 2024 अगर आप सर्च करेंगे ना तो रेंगुलर में वो वाली ग्रिल का डिज़ाइन है ये वाला, जो अभी आप डबल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो। जैसे ये वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपकी गाड़ी अगर ब्लैक है तो आपको फुल ब्लैक मिल जाएगी, आपकी गाड़ी ग्रे है तो ग्रे एंड ब्लैक या फुल ग्रे, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए मिल जाएगा। सो रेट अभी एक चीज़ की कंप्लेंट आती है कि भाई अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी बम्पर के पास, जो हमारे यहाँ पर बुलहॉर्न के बम्पर है, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा सामान शॉर्ट हो रहा है। अभी दो या तीन डिज़ाइन है जो यहाँ पर अभी अपकमिंग में कल परसों माल रिफिल हो जाएगा यहाँ पर। सो रेट अभी जो सबसे मेजर बम्पर बिकता है वो ये वाला बम्पर है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है रेंगुलर बम्पर, ये है बुलहॉर्न का ABS प्लस मेटल बम्पर। सो भाई एक इसमें ना बड़ी चीज़ें हैं कि लोकल वाले बम्पर में लोग जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि भैया फ़ोन करते हैं कि भाई बुलहॉर्न के बम्पर में यहाँ कहीं मेंशन नहीं है बुलहॉर्न, तो बुलहॉर्न में और लोकल वाले बम्पर में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो जो स्क्रू सिस्टम लगा हुआ है ये पूरा स्क्रू सिर्फ बुलहॉर्न के बम्पर में ही आता है। बुलहॉर्न के बम्पर में जो ये कुंडे देख रहे हो आप ये लोहे के हैं, इससे आप गाड़ी बांध के भी खींच सकते हो। लोकल बम्पर के अंदर ये कास्टिंग के कुंडे आते हैं जो खींचने से टूट भी जाते हैं। और इसके संग अगर आप देखो तो ये रेड कलर का जो स्लॉट देख रहे हो ये वाला रेड हो गया या ऊपर वाला या सिल्वर स्लॉट हो गया, ये स्लॉट इसमें इनबिल्ड है, ये अलग से नहीं है, लोकल वाले बम्पर में ही अलग से पीस लगा होता है। तो इसके अंदर अगर आप ये स्क्रू देख रहे हो ना, स्क्रू लगने की वजह क्या है, डिज़ाइन नहीं है, इसके पीछे पूरा मेटल फोल्ड है, उस मेटल के संग ये स्क्रू किया हुआ है। सो दैट सेफ्टी के लिए कि फ्रंट ABS बम्पर है, ABS बम्पर को हैवी करने के लिए पीछे पूरा मेटल की शीट दी हुई है जिससे एक हैवीनेस आ जाए। और बम्पर के साथ कई भाई क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये बम्पर के साथ ही आएगा, तो भाई ये अगर आप बुलहॉर्न का बम्पर परचेज कर रहे हो तो ये बुलहॉर्न के बम्पर के साथ ही आता है। मतलब अगर आपने एक बम्पर परचेज किया चाहे मेरे पास से किसी भी बुलहॉर्न के स्टोर से परचेज करते हो तो ये आपको साथ में ही मिलेगा। बट अभी क्या है, अभी कई भाई की एक कंप्लेंट भी आ रही है भाई कि कई स्टोर पे जो बुलहॉर्न के ऑफिशियल स्टोर नहीं भी है मार्केट में, वहाँ भी बुलहॉर्न का बम्पर मिलता है, बट वहाँ पर थोड़ा सा क्या मिस मैचिंग आती है, कई भाई कहते हैं कि भाई थोड़ा सा प्राइस में भी फ़र्क आ रहा है, कई लोग 2000 रुपये सस्ता बोल देते हैं या 1500 रुपये सस्ता बोल देते हैं। भाई वो सस्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके पास थार है और आप थार में सिर्फ एक बम्पर लगवाने नहीं आए हो, आप थार में कई काम करवाने के लिए आए हो। अगर आप गाड़ी के अंदर 1,00,000 रुपये का काम कराने आए हो या 50,000 रुपये का काम कराने आए हो तो बेसिकली क्या होता है, ये एक बिजनेस है। अगर जब तक आपको कोई 2,000 किसी चीज़ के कम नहीं बताएगा, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में है ना उस चीज़ का आपको रेट हमेशा कम बताया जाएगा। सो रेट कभी ये 2,000 रुपये के चक्कर में ना पड़े। एक कंप्लेंट ये आती है भैया 2,000 रुपये सस्ता तो मिला पर ये बुलहॉर्न का ये नहीं दिया, इसकी जगह बम्पर दे दिया पर ये नहीं मिला। और कई भाई कहते हैं कि भाई बुलहॉर्न का ये दे दिया पर बम्पर लोकल वाला दे दिया। भाई तो अब ये चीज़ें भाई ये जस्टिफिकेशन कर लेना, हमेशा 2,000 रुपये को लेके मत सोचना कि भाई वो 2,000 रुपये सस्ता दे रहा है या 1,000 रुपये सस्ता दे रहा है। जब आप 10 सामान लेते हो ना
तो वहाँ क्वालिफिकेशन मिसमैच हो जाती है आपकी। तो सामान सारा वेरीफाई कर लेना, उसके बाद यहाँ पर बुलहोन के आपको यहाँ पर डोर हिंज मिल जाएंगे, ये वाले जो कलर में आते हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए। जैसे अगर आप ब्लैक एंड रेड का बम्पर डाल रहे हैं तो रेड कलर के हिंज, ब्लैक एंड रेड कलर की ग्रिल, और यहाँ पर अंडर बॉडी जो है ये फ्रंट वाली हमारी रेड कलर की मिल जाएगी, रेड, ग्रीन, येलो, ये है फ्रंट रेडिएटर गार्ड हमारा। उसके बाद जो थ्री पीस सेफ्टी गार्ड होते हैं हमारे, वो ये वाले जो नीचे के लिए पूरे थ्री पीस के अंदर है, इसके अंदर भी कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये हमारे 3 mm की शीट में, ये 4 mm की शीट के अंदर है, ये मैट्रिक डिज़ाइन के अंदर है। इसके बाद नीचे के लिए हमारे पे एक डिफेंशियल कवर आता है, जो ये वाला कवर है जिसको हम डिफेंशियल कवर बोलते हैं। ये रेड वाला जो है ये सिर्फ पर्टिकुलर हमारी डीजल गाड़ियों में ही लगता है। उसके साथ में अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ ब्लैक कलर का ये पेट्रोल टैंक कवर है, ये हमारी डीजल और पेट्रोल टैंक का जो कवर होता है नीचे, उसके लिए सेफ्टी है। बेसिकली पूरा जो टैंक होता है उस टैंक की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है कि गाड़ी अगर आप किसी गड्ढे जैसी जगह पे चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो टैंक नीचे से कुछ पत्थर है, मेजर कुछ चीज़ लग के फट ना जाए, ये उसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो इसके जैसी और भी चीज़ें होगी, जैसे डेड पेडल हो गया यहाँ रखा हुआ है ये छोटा वाला, अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है उसके लिए बुलोन का डेड पेडल। तो बेसिकली आपको ऑल इन वन आइटम जो भी है वो एक पर्टिकुलर एक ही स्टोर में मिल जाएगी, बट सिर्फ ब्रांडेड मिलेगी। अपने पास सस्ता वाले के चक्कर वाला काम नहीं है भाई, सस्ता ही है बट, लेकिन वो वाला नहीं कि भाई बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का सामान दे दिया, फाइबर का सामान दे दिया और सस्ता करके दे दिया कि कस्टमर ले लेगा, वो आप ही का नुकसान करेगा। दोबारा 2 महीने बाद आपको दोबारा गाड़ी को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। बट वन टाइम चीज़ वाला काम बताऊंगा मैं आपको कि एक बार ब्रांडेड चीज़ लो, अच्छी चीज़ लो। यहाँ पर आपको जी वैगन वाला स्टेपनी कवर मिल जाएगा जो प्रॉपर जी वैगन स्टाइल के अंदर आता है, ये 18 inches टायर में ही लगता है। कई भाई कॉल करते हैं कि भाई 20 inches में लग जाएगा, तो नहीं लगेगा भाई, आपका जो एग्जिस्टिंग टायर है उसी में ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है बोनट का हुड, जो इस समय काफ़ी डिमांडेड है। ये एक बेसिकली बोनट का पार्ट है, वाइट कलर की गाड़ी पे वाइट कलर लगेगा, ब्लैक पे ब्लैक लगेगा, तो ये ग्लॉस के अंदर है पूरा, जो प्रॉपर आपकी गाड़ी का ओरिजिनल कलर है उसके असंग है। मतलब इसमें आपका बोनट आपका एक सिंगल पार्ट में लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि आपने बोनट पे कुछ अलग से चीज़ लगा रखी, तो ये आपका प्रॉपर एक पार्ट हो गया बोनट का। लगने के बाद इसमें आपकी ब्रोंडर आ जाएगी, पूरी रेंगुलर लुक देगा ये आपका पूरा का पूरा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लेके चलता हूँ, लोग आजकल ग्रैब हैंडल भी मांगते हैं भाई, कि एल्युमिनियम ग्रैब हैंडल मांगते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम का ग्रैब हैंडल है जो बिग साइड में आता है, जो ऊपर लग जाता है, कई लोग ड्रिल नहीं करवाना चाहते पिलर के अंदर, तो उनके लिए ग्रैब हैंडल है। उसके बाद जो एक्सेसरीज जितनी भी थार की आती है, जो लाइटिंग होगी, आपको यहाँ पर कई डिज़ाइन की हेडलाइट मिल जाएगी, टेल लाइट्स मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, हाई एंड ऑडियो सेटअप मिल जाएगा। तो कई भाई कॉल करते हैं, भाई ये चीज़ भी करते हो आप, सीट कवर भी करते हो, हम सब कुछ करते हैं भाई। मैं इतनी वीडियो लंबी नहीं करूँगा, बट सिर्फ आपको एक जस्टिफिकेशन दूंगा कि भाई कभी भी ना कॉल पे किसी से बात करते हो तो वो चीज़ को क्लियर कर लिया करो कि आपको कोई बंदा क्या दे रहा है, ये क्या नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आप किसी से फ़ोन पे पूछोगे भाई रेगुलर बम्पर, तो आपको प्राइस कोट करेगा बंदा सबसे सस्ता वाला का, फिर आप सोचोगे भैया वो वाला क्यों महंगा दे रहा था। ग्रिल के लिए आप पूछोगे तो ग्रिल के अंदर ग्रिल भाई, जो ये रेंगुलर जिसको 7 slot ग्रिल कहते हैं, ग्रिल फाइबर से 3,000 रुपये से लेकर मार्केट में और कोई रेंज नहीं है, मतलब 8, 2, 10 हज़ार रुपये की, 11, 12, 15 हज़ार रुपये की बड़ी सारी रेंज में बिकती है। बट लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो भाई वो सस्ती दे रहा है, तो भाई वो सस्ती वाली ही चीज़ है। तो मेजर अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस नहीं आता सस्ती और महंगी चीज़ों के अंदर, बहुत 1,000, 1,500, 2,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको हर एक चीज़ ब्रांडेड में मिल जाती है। तो चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं गाड़ी में क्या काम शुरू हुआ है और कैसी गाड़ी की लुक बनने वाली है। तो भाई अभी हम आ गए हैं गाड़ी के पास, ये गाड़ी हमारी जो है थार वो हो रही है रेंगुलर में कन्वर्ट। सो अभी रेंगुलर के लिए इसमें रेंगुलर स्टाइल की ग्रिल लगेगी, रेंगुलर स्टाइल का बम्पर लगेगा, हेडलाइट लग रही है, टेल लाइट लग रही है, तो रेड छोटे छोटे बहुत सारे काम हो रहे हैं। बट जो मेरा मेजर काम दिखाने वाला आपको, इस गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा सामान जो है बुलहोन कंपनी का लग रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे बम्पर लगाने के लिए यहाँ फिटिंग लगाई है। बेसिकली आप कई सारे क्वालिटी से बम्पर देखते हो, बुलहोन के बम्पर में इंटरनल कभी भी हम नहीं दिखाते, हम आपको दिखा देते हैं लगा हुआ। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर गाड़ियाँ रेडी होती है तो हमारा कैमरामैन जब भी आता है, आज हमारा कैमरामैन बारिश में भीगता हुआ आया है। तो इसमें दिखाने का एक रीज़न है कि जितनी भी बम्पर्स के अंदर फिटिंग होती है वो ज़्यादातर बम्पर के अंदर अटैच होती है। ये बुलहोन की जो फिटिंग है ये बम्पर के अंदर अटैच नहीं होती, ये अलग से होती है। इसको अलग से होने का क्या रीज़न है, ये रीज़न है कि इससे बम्पर में एडजस्टमेंट हो जाती है, कि बम्पर को आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो। कि कई भाई कहते हैं कि भाई यहाँ पर गैप ज़्यादा है या गैप कम है या लेफ्ट ज़्यादा है, तो इस बम्पर के अंदर ये एडजस्टमेंट हो जाती है। इस गाड़ी में हम नीचे इसका रेडिएटर गार्ड भी डाल रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर फिटिंग लगाई है। ये भी फिटिंग भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ भी आपको बुलोन का लोगो मिलेगा प्रॉपर, मतलब फिटिंग भी बुलोन कंपनी की ऑफिशियल ओरिजिनल फिटिंग है। इसके अंदर नहीं कि फिटिंग की कोई जुगाड़ करके पत्ती लगा दी, कुछ लगा दी, यहाँ पर भी कंपनी ने अपना पूरा मार्कर दिया हुआ है।
तो राइट अभी जब गाड़ी तैयार हो जाएगी तो दिखाएंगे आपको गाड़ी किस लुक में आई है। तो गाइस यहाँ हो गई है हमारी थार रैंगलर में कन्वर्ट। क्या क्या लगा गाड़ी में, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में क्या क्या लग रहा है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ गाड़ी में क्या क्या लगा है। यहाँ ब्लैक कलर की 7th फ्लोर ग्रिल लगी है, जो यहाँ इंसर्ट रेड कलर का एक स्लॉट है। यहाँ पर कई लोग आजकल पसंद कर रहे हैं कि यहाँ पर डबल स्लॉट के अंदर, कि यहाँ डबल स्लॉट चाहिए तो वो भी हो जाता है कस्टमाइजेशन में। यहाँ सेम मैचिंग के अंदर बम्पर लगा बुलोन कंपनी का, जो रेड कलर की मैचिंग के अंदर है यहाँ पर प्रॉपर, जिसके यहाँ कुंडे भी रेड कलर के हैं। मैं आपको एक फिर चीज बताऊंगा कि बुलहॉर्न के बम्पर की खासियत, ये जो कुंडे हैं ये मेटल के हैं, मतलब प्रॉपर हेवीनेस के अंदर है। आप इसके अंदर कोई गाड़ी बांध के भी खींच सकते हो, ये कुंडे नहीं टूटेंगे, कास्टिंग के कुंडे नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हेडलाइट लगाई है, जो बड़ी स्लीक डिजाइन के अंदर लाइट है, एक हाई फोकस लाइट है। यहाँ पर हमने GPNE कंपनी के प्रोजेक्टर यूज किए हैं, जो 3 कलर के अंदर प्रोजेक्टर है, जिसका रेड लाइन भी मैच कर रहा है यहाँ पर। तो राइट इसके अंदर जो नीचे की तरफ अगर आप देखो तो रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है, जो प्रॉपर रेडिएटर की सेफ्टी के लिए अंडर बॉडी लगाई जाती है, वो भी हमारी बुलहॉर्न कंपनी की लगी हुई है। और यहाँ पर बात करें बम्पर के साथ में जो स्पेस कवर लगता है, वो हमारा मेटल का स्पेस कवर लगा हुआ है यहाँ पर, जो स्पेस कवर यहाँ बुलहॉर्न से रिटर्न में है। यहाँ पर इसके अंदर हमने रेड कलर की हाईलाइटिंग दी है, क्योंकि रेड कलर की गाड़ी है तो इंटरनल रेड कलर का एक हाईलाइटिंग दी है। किसी भाई को यहाँ पर ग्रीन कलर का सेटअप चाहिए, येलो कलर चाहिए, या कोई भी नया कलर का कंसेप्ट चाहिए तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर। बट अभी ओवरऑल पूरी गाड़ी की बात करो तो पूरी गाड़ी ना एक ब्रॉडनेस के अंदर आ जाती है, कि जैसे बम्पर कंपनी का लगा है ऑलरेडी, जैसे ये बम्पर अभी हमने कंपनी का उतारा है, ये कंपनी का बम्पर है यहाँ पर, तो इस बम्पर के बाद और इस बम्पर को लगने के बाद ना गाड़ी में एक ब्रॉडनेस की फील आ जाती है। यहाँ पर बोनट के ऊपर बुलहॉर्न के शेड लगे हुए हैं, उसके साथ में यहाँ लाइट लगी हुई है। अभी ये आपको येलो शेड में दिख रही है, अगर आप इसमें चाहो तो व्हाइट कलर भी कर सकते हो। तो ओवरऑल जैसे व्हाइट कलर करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी एक बार, कि गाड़ी का ये देखिए, ये व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट है। इसके लिए कोई भाई पूछते हैं कि भाई इसमें ड्रिल करके लगता है कुछ सेटअप, यहाँ पर जो क्लैंप लगे हुए हैं बुलहॉर्न कंपनी के, कोई ड्रिलिंग नहीं होती। ओरिजिनल बोल्ट जो है ये कंपनी के बोनेट पे लगे होते हैं, वही बोल्ट खुलते हैं, उसी बोल्ट पे ये क्लैंप टाइट हो जाते हैं और उसके ऊपर लाइट लग जाती है। इवन आपको यहाँ पर वायरिंग भी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वायरिंग भी यहाँ से इंटरनल पीछे से अंदर चली जाती है इसके अंदर। तो मतलब ये प्रॉपर OEM फिटमेंट वाला काम है, कि एक OEM फिटमेंट वाली चीज़ लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अलग से चीज़ लगी हुई है। और बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट लग रहा है, अगर आप देखो तो ऊपर वाइट है, यहाँ वाइट है और यहाँ पर भी वाइट है, तो पूरा एक लाइट का कंसेप्ट भी बड़ा जबरदस्त वाला हो गया। और गाड़ी की ब्रॉडनेस की लुक की बात करें तो भाई बड़ी ही जबरदस्त लुक है। एक बार लगाओ बेटर चीज़ लगाओ, बम्पर की मैं आपको बता चुका हूँ, बुलहॉर्न के अंदर मेटल के बम्पर भी आते हैं, बड़ी सारी चीज़ आती है बुलहॉर्न के अंदर। गाड़ी के अंदर भी काफ़ी सारा काम हुआ है, बट बारिश आ रही है तो इसलिए इनसाइड लाऊंगा नहीं आपको, कि आपका वीडियो भी लंबी नहीं करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो को फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना। भाई सबसे मेन बात है कि भाई को मोटिवेशन देना फॉलो करके, कि इससे भी बढ़िया बढ़िया गाड़ी आपके लिए लेके आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।